अरे मम्मी इतनी परेशान क्यों खड़ी हो? अरे बेटा परेशानी की तो बात ही है ना, वो तो हमारी सहेली से बात हो गई, तुमने इंस्टाग्राम पे देख लिया, हमको पता ही ना चलता कुछ। हाँ अभी ये बात तो है, वो थोड़ा सा हमें भी नहीं पता था इस बारे में। अरे तुम्हें कैसे पता होगा बेटा, तुम्हारी थोड़ी ना बात होती थी, हम ही से रोज सुबह शाम बात होती थी, हम तो उसके संस्कारों में ही खोए हुए थे कि कितनी अच्छी लड़की है। सुनिए बैठिए यहाँ। क्या हुआ भाई? पता चला आपको दिव्या के बारे में? हाँ पता चला, अभी मोनू ने बताया था कि। तो बताइए अब क्या करना, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा एकदम, हमारे तो आंखों के आगे एकदम अंधेरा छा रहा है। बात आगे बढ़ाओ लेकिन उनसे पूछ लिया जाएगा भैया। भाई सही बात है, आप सोचिए कि इतनी बड़ी बात उन्होंने हम लोगों से छुपाई, और बराबर कहते थे कि बहुत बड़े पद पे, हमने कहा चलो पूछ लिया जाएगा, अभी तो आगे बहुत मुलाकातें होनी। लेकिन बताइए एसडीएम, अब ये बात तो सही है कि एसडीएम का मामला जो है समय चल रहा है, इसीलिए उन्होंने नहीं बताया होगा। अरे हम लोगों को भी तो चार लोगों को अब जवाब देना होगा, जब रिश्तेदारों को पता चलेगा, या पूरे देश को हिला रखा इस मामले ने। अब देखो भाई विडम्बना देखो कि पहले लोग एसडीएम चाहते थे, अब एसडीएम के नाम से जो है लोग डर रहे हैं। अब हम अपना घर में अगर एकदम से अभी बता दें कि एसडीएम बहुत, लोग वहीं से रिलेट कर लेंगे। हमने ये सोचा है कि अभी हम थोड़े दिन के लिए इस मामले को रोक रहे हैं, जब तक कि वहाँ पे मामला ठंडा नहीं हो रहा, जब वो मामला ठंडा हो जाएगा एसडीएम वाला, तब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? और सुनो मोनू, जब तक ये मामला थोड़ा रुका हुआ है, तुम भी भैया कोई तैयारी करके सीडीएम एडीएम को देख लो, कुछ बन जाओ भैया, और इस बीच में बात मत करना, लेकिन हमें कुछ बन के दिखाओ भैया, आप दिन रात मेहनत कर।